हेलो फ्रेंड्स, आज काफी टाइम के बाद मैं हॉल पे गया। इस साल लॉकडाउन के बाद पहली बार हॉल पे जाने का मौका मिला और मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 9 देखा। और ये पार्ट मुझे अच्छा तो लगा, पसंद आया, पर बहुत अच्छा नहीं लगा। तो इसके बारे में मैं अपना आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या चीज मुझे अच्छी लगी और क्या चीज अच्छी नहीं लगी। तो जो इस मूवी में मुझे बात पसंद आई, एक ही बात पसंद आई, वो था इस मूवी का एक्शन। इस मूवी का एक्शन वाकई बिल्कुल हाई लेवल का है और एक्शन अलग किस्म का है। जैसे अगर पहले की जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के पार्ट्स आए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि वैसा ही एक्शन होगा, तो बिल्कुल वैसा नहीं है, अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। कुछ ऐसा एक्शन है कि आज तक आपने शायद किसी मूवी में ना देखा हो। और ये जो एक्शन है मेनली इंटरवल के बाद है, इंटरवल से पहले कम है। और जो इंटरवल से पहले का एक्शन था वो इन्होंने मूवी के ट्रेलर जो इन्होंने बनाया है तो उसी में वो सब डिस्क्लोज हो जाता है कि क्या वो एक्शन है। तो यहाँ पर एक ट्रेलर में भी मुझे कमी लगी। जो ट्रेलर पहले था उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहिए था, क्योंकि जो इंटरवल से पहले का एक्शन आता है तो वो सस्पेंस नहीं आ पाता। हमें पहले ही पता होता है कि अब क्या होने वाला है इस एक्शन में, क्योंकि हम वो ट्रेलर में देख चुके होते हैं। पर जो एक्शन में फर्स्ट हाफ में जो कमी थी, तो इंटरवल के बाद वो सारी कमी दूर हो जाती है और बिल्कुल नॉन स्टॉप एक्शन रहता है, बिल्कुल हाई लेवल का। और ये एक्शन देख के तो मजा ही आ जाता है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड ओनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट मूवी का मुझे लगा वो एक्शन आफ्टर इंटरवल। अब इस मूवी में मुझे खराब बात क्या लगी, नेगेटिव बात क्या लगी, उसकी भी बात करते हैं। तो तीन बातें मुझे नेगेटिव लगी। पहली बात, जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एक्शन, उसी में मुझे कुछ इसमें नेगेटिव बात भी लगी। तो नेगेटिव बात ये कि मूवी का एक्शन काफी कंफ्यूजिंग किस्म का है। जैसे कई बार मूवी की स्टोरी कंफ्यूजिंग होती है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ऐसी हालत थोड़ा एक्शन के साथ हो गई है। तो कई लोगों को तो एक्शन बड़ा पसंद आएगा और कई लोगों को हो सकता है ना भी पसंद आए। उन्हें लगे कि एक्शन के वक्त कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो वो एक्शन को समझने के लिए भी बड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि ये किस तरीके से दिखा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का एक्शन नहीं है। इसमें कई हाई लेवल की एक्शन मूवीज होती है तो उसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन होता है कि देख के हम इजिली उसको समझ पाते हैं, तो एक तो वैसा नहीं है। तो ये इसका एक मैं नेगेटिव पॉइंट भी कहूंगा। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट इसका है कि मूवी का जो प्लॉट है वो ग्रिपिंग नहीं है। हालांकि स्टोरी सिंपल है और आमतौर पर सिंपल स्टोरी के साथ भी मूवी को ग्रिपिंग बनाया जा सकता है, पर शुरू से एंड तक जो इसका प्लॉट है, प्रेजेंटेशन है, डायरेक्शन है, तो ग्रिपिंग नहीं है, दर्शकों को बांध नहीं पाती। कहीं पे हम बस इसी बात का इंतजार करते रहते हैं कि अब चलिए एक्शन कब शुरू होगा, तो तब थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा मूवी में बोर होने लगते हैं। तो वो बांध के रखने में मूवी कामयाब नहीं रह पाती। उतना अच्छा इसकी स्टोरी प्लॉट नहीं है। हालांकि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की तो स्टोरी वैसे भी सिंपल ही रहती है, इतना कुछ इसमें नहीं रहता, बट थोड़ा सा और कुछ इसको ग्रिपिंग बनाया जा सकता था। तो थर्ड पॉइंट इसका मुझे नेगेटिव लगा, वो लगा कि जॉन सीना को गलत इस मूवी में कास्ट किया गया। जॉन सीना इस रोल में बिल्कुल फिट नहीं लगते। हम जॉन सीना की जो पर्सनैलिटी देखे तो वो एक WWE रेसलर थे और फेमस रेसलर थे, तो उधर से आए थे वो मूवीज में। तो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम उनके WWE कैरियर को भी देखे तो था कि वो देखने में उनका जो डील डॉल है वो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा उनका नहीं लगता था। जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं तो एक तरफ विन डीजल और एक तरफ जॉन सीना, तो दोनों का लगभग इक्वली डील डॉल टाइप है। बट जॉन सीना जैसे रेसलिंग भी जब करते थे तो काफी स्ट्रांग थे, फिजिकली स्ट्रांग थे। वो बिग शो नाम का एक रेसलर होता था, उसको भी वो अपने कंधे पे उठा के पटक देते थे। तो विन डीजल के बस का नहीं है ये। तो जॉन सीना की हम फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर की बात करें तो विन डीजल तो उनके सामने आते भी नहीं है। तो ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो दिखाने का मौका ही नहीं मिला है पिक्चर में। जो डायरेक्टर है, स्टोरी है, डायरेक्टर ने जो स्टोरी बनाई है, सीन्स दिए, तो उसमें जॉन सीना की स्ट्रेंथ सामने नहीं आ पाती। तो वो इस मूवी में थोड़ा
विन डीजल के सामने फीके नजर आते हैं, विन डीजल हावी होते हुए नजर आते हैं, तो इसमें मैं जॉन सीना को कसूर नहीं दूंगा। कसूर उनके डायरेक्टर का है, स्टोरी का है कि कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे स्टोरी में ट्विस्ट डालना चाहिए था जिसमें जॉन सीना की स्ट्रेंथ भी आती, और ऊपर से जॉन सीना का जो करेक्टर है छोटे भाई का है, नेगेटिव करेक्टर भी दिया है, तो वो करेक्टर के हिसाब से उनकी एज भी नहीं है। जॉन सीना इज अबव 40 और जो उनका करेक्टर है लगता है कि वो जैसे 25-26 साल का वो रोल प्ले कर रहे हैं, और एक्टिंग वो पर्सनैलिटी जॉन सीना की स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे हम देखिए रॉक बटिस्टा होते थे या आर्नोल्ड या सिलिस्टर स्टैलोन, तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती थी कि पर्सनैलिटी ही स्क्रीन प्रेजेंस पे बड़ा हावी हो जाती थी, तो जॉन सीना का वैसा केस नहीं है, तो उसके लिए इनको थोड़े और अलग एक्शन सीन देने चाहिए थे। तो यहाँ पे इनकी कास्टिंग गलत है जॉन सीना की, ये एक तो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। तो ओवरऑल अब इस मूवी को आपको देखना चाहिए कि नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी अच्छी है, आप इसको देख सकते हैं टाइम पास के लिए, इट्स ए वन टाइम वॉच मूवी। और जो पहले की फास्ट एंड फ्यूरियस की पार्ट्स आए हैं, तो मैं इस पार्ट को उनके बराबर का इक्वल कहूंगा या उनसे थोड़ा हल्का कह सकते हैं, पर पहले पार्ट से बेटर नहीं है ये पार्ट। और ओवरऑल मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार्स दूंगा। तो अगर आप एक्शन मूवी देखना चाहते हैं, आपको फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की मूवीज पसंद है, तो आप इसको एक बार हॉल पे देख सकते हैं। पर अगर आप इसको खास तौर से देखें, आप चाहे आपको अगर ये है कि इसमें कोई बहुत खास है तभी देखेंगे, तो इतना कुछ खास नहीं है, तब आप इसको मिस भी कर सकते हैं। इट्स ए वन टाइम वॉच मूवी, एंटरटेनिंग मूवी है, मजा आएगा आपको। You can watch it. My ratings 3 out of 5.